ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप सब बहुत आशीष पाएंगे। राहुल, मैं सोच रही थी कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें और हम लोगों का प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा नहीं होता तो हम बहुत उदास हो जाते हैं और कभी कभी हम अपने आप से नफरत भी करने लगते हैं। बिल्कुल रिबेका, हम अक्सर अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखने लगते हैं। हाँ। और फिर हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन जीने लगते हैं। जी, हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं जो कि सही नहीं है। दोस्तों, हम सब लव एंड एक्सेप्टेंस चाहते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे और मुलाकात करेंगे उससे जो हर मायने में हमसे प्रेम करता है, हमें समझता है, पूरी तरह से समझता है और जो हमें एक बहुतायत का जीवन देना चाहता है। बिल्कुल दोस्तों, और वो खुद परमेश्वर है जिसने आपको रचा है। वो आपका पिता है जो आपसे बेहद प्रेम करता है। जैसे आप है वैसे वो आपसे प्रेम करता है और उसका वादा है कि वो अपने अनुग्रह और प्रेम से आप में परिवर्तन लेकर आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही आशा है और प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम के बाद आप सब अपने आप से ज़्यादा प्रेम करेंगे। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले समय है कि राहुल हमसे पहचान कौन में क्विज पूछे। दोस्तों, आपका सवाल है, लूका 15 में खोए हुए भेड़ के दृष्टांत में चरवाहा कितने भेड़ों को छोड़ एक के तलाश में गया। आपके ऑप्शंस है ए 100, बी 99, सी 50 या डी 10। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, आप देर न करें, जल्दी से हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को आप हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़ें। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं जो आपको बहुत इंकरेज करेगी। ये कहानी है कृपाली की। कृपाली के जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से वो अपने आप से ही नफरत करने लगी। ये नफरत कैसे प्रेम में बदली, ये आज कृपाली खुद हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनकी कहानी देखें। मेरा नाम कृपालिनी सदानंदम है, मैं हैदराबाद से हूँ। क्योंकि मैं अपने स्कूल में नई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा था। इस बुलिंग ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि कई तरह से इसका बुरा असर मुझ पर हुआ था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। बुलिंग के जो जख्म थे वो काफ़ी लंबे समय तक मुझ पर बने रहे। इसने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर दी कि मैं अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही अलग होने लगी थी। मेरे माता पिता ने जिस तरह से मेरी परवरिश की थी, मैं उससे दूर होने लगी थी, जो मुझे डिप्रेशन की ओर ले गया। मैं खुद पर तरस खाने लगी और अकेली हो गई थी। मुझे खुद पर तरस आता था और मैं अकेली हो गई थी। सिर्फ एक इंसान मेरे सबसे करीब था, वो थी मेरी अम्मा। एक वही थी जिनके पास मैं जा पाती थी। फिर एक दिन वो गुजर गई। ये सब अचानक और बहुत ही जल्दी हुआ था, जिसके कारण मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया था और सबसे दूर होकर अकेलेपन में जीने की भावना मेरे अंदर बढ़ने लगी। मुझे इस तरह से नहीं रहना था, लेकिन दिन पर दिन मैं इसी में उलझती जा रही थी। हालांकि मैं एक मसीही परिवार में पली बड़ी हूँ, पर क्योंकि मैं इस अकेलेपन से गुजर रही थी तो मेरे मन में कई सवाल थे। लेकिन एक सवाल जो मैंने बार बार पूछा वो था, हे पिता परमेश्वर, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या आप देख रहे हो कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छे यूथ लीडर थे जिन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैंने किसी तरह अपने यूथ लीडर से अपने सवालों को शेयर किया और उन्होंने मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मेरी मदद की। साथ ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में मेरी पहचान के बारे में मुझे बताया। जिस तरह से लोग हमें देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें वैसे नहीं देखते। वो हमें हमारे परिवार से भी बढ़कर एक कीमती चीज की तरह देखते हैं।
प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना मेरे लिए एक दिन का काम नहीं था, बल्कि इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना था, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ना था। तो जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि हम बस वचन सुनने वाले नहीं हों, बल्कि हमें इन वचनों का पालन करना है। इसीलिए प्रार्थना करना मेरा लाइफस्टाइल बन गया और बाइबल पढ़ना बस मुझ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बाइबल पढ़ना, उसे शेयर करना शुरू कर दिया और हम सब मिलकर वचनों को पढ़ते थे। तो ये एक छोटी सी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक लंबा प्रोसेस बन गया था। जब मैंने महसूस किया कि यीशु मसीह का प्रेम लोगों के जरिए फैलता है और ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उनके प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊं, तब मैंने किड्स मिनिस्ट्री और यूथ मिनिस्ट्री के लिए वॉलंटियर करना शुरू किया और मैंने कम्युनिटी आउटरीचेस के लिए वॉलंटियर किया। मैं ऐसी इंसान थी जिसने डिप्रेशन, अकेलापन, बुलिंग, इन सब का अनुभव किया था, पर आज मेरा एक बहुत अलग नज़रिया है। आज मैं खुद को उस तरह से देखती हूँ जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुझे देखते हैं। मुझे लगता है कोई मुझसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, वो भी बस एक दिन के लिए नहीं कि मैं सुबह उठकर कहने लगी कि वाह मेरा जीवन बदल गया, बल्कि इस बदलाव ने मेरा व्यवहार बदल दिया है। इसलिए ये एक जीवन भर का प्रोसेस है। एक बात जो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल बीमारों के लिए अपने प्राण नहीं त्यागे, बल्कि उन्होंने हमारे डिप्रेशन के लिए भी अपने प्राण दिए। उन्होंने आपको जख्मों से, अकेलेपन से और आपकी हर कमजोरी से बचाने के लिए अपने प्राण दिए हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो वो आपसे प्यार करते हैं। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी राहुल। इनफैक्ट कृपाली के साथ हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल रिबेका, परमेश्वर हमारा कितना भला है और कृपाली की कहानी से हमें पता चलता है कि प्रभु हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं, उसकी योजनाएं हमारे लिए अच्छाई और भलाई की है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वर्थ को जानें एंड वी शुड नो आवर वर्थ इन क्राइस्ट, तभी हम अपने आप से प्रेम कर पाएंगे और अपने आप से हम नफरत नहीं करेंगे जैसे कृपाली ने जाना, और जैसे वो परमेश्वर को जानती गई वो अपने आप से भी प्रेम करती गई। बिल्कुल दोस्तों, आपने कभी एक कीड़े को देखा है? एक कीड़े और एक कमले में फर्क होता है। वैसे दिखाई तो दोनों कीड़े ही देते हैं, लेकिन कमला जो है वो आगे जाकर तितली में तब्दील होता है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। द कैटरपिलर लुक्स जस्ट लाइक अ वर्म, है ना, कोई वर्म की तरह, कोई कीड़े की तरह है, लेकिन आगे जाकर परमेश्वर ने उस वर्म के अंदर, उस कैटरपिलर के अंदर एक डीएनए डाला है जो बहुत अलग है और वो उसे बटरफ्लाई बना देता है। वैसे ही दोस्तों, हम अक्सर अपने आप को लोगों की नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर की नज़र से देखना है। परमेश्वर हमें बिल्कुल अलग नज़र से देखता है और जिन्होंने उस पर विश्वास किया है उसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसका डीएनए हमारे अंदर आया है। दोस्तों देखिए, यरमाया का 31वां अध्याय 3रा वचन परमेश्वर के प्रेम के सिलसिले में क्या कहता है। यरमाया 31:3, यरमाया 31:3 वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। क्या खूबसूरत वादा है दोस्तों परमेश्वर का। परमेश्वर का प्रेम वक्त के साथ या मौसम की तरफ बदलता नहीं है, उसका प्रेम अटल है दोस्तों। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक कार्य आरंभ किया है और चाहे हम जितने भी उतार चढ़ाव से जाए, उसका प्रेम हमें संभाले रखेगा और वो उसका कार्य जो है वो उसे यकीनन पूरा करेगा। इसी आश्वासन को पौलुस बताता है फिलिपियों के 1:6 वचन में। शास्त्र कहता है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। क्या जबरदस्त आश्वासन है दोस्तों कि यीशु मसीह ने आपको थामा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं और उसका प्यार आपके प्रति कम नहीं होगा। उसने जो कार्य शुरू किया है वो उसे अंजाम भी देगा। दोस्तों,
क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे पल हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको परमेश्वर के प्रेम का एहसास हुआ, हमें ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पल होंगे और हम इनके बारे में जानना चाहेंगे, सो डू शेयर विद अस। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं दोस्तों, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी CBN प्रेयर लाइन पर, हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, डू कॉल अस फॉर दैट इज़ वेल। दोस्तों हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई बातें मिलेंगी जो आपके प्रोत्साहन के लिए होंगी। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे विद अस। उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं, तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अक्सर हम अपने जीवन में जब रिजेक्शन का सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से प्यार करना छोड़ देते हैं और अपने आप से नफरत करने लगते हैं, और ये सही नहीं है। आज हम इस विषय पर मदद पा रहे हैं। यस, ये बहुत ज़रूरी है रिबेका कि हम जाने कि परमेश्वर हमें अपनाता है। जी। अक्सर जब हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि पहले हमें बदलना है, फिर हमें अपनाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अलग कहता है, वो हमें अपनाता है पहले एक संतान के रूप में, और फिर अगर हमारे अंदर किसी बदलाव की ज़रूरत है तो वो अपने प्रेम और अनुग्रह से हमारे अंदर वो बदलाव लेकर आता है। It's so beautiful that God accepts us just as we are. And दोस्तों इसी बात के साथ आइए आगे बढ़ें और आज हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए पढ़ें कुछ रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी है, और आज की पहली रिक्वेस्ट है आंचल की, जो कह रही है, मेरी हाइट बहुत छोटी है और इस वजह से मैं बहुत इन्फीरियर महसूस करती हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आंचल, हम समझ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आपकी तरह महसूस करती हैं, पर आप ये जानें कि परमेश्वर ने आपको सृजा है, एंड गॉड मेक्स एवरीथिंग गुड एंड परफेक्ट, और उसने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप इस बात पर ध्यान न दें, अपनी हाइट के विषय पर आप ध्यान न दें, और अपने आप से आप उस तरह प्यार करें जैसे परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। अगला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो राजेश ने हमें भेजा है, और वो कह रहे हैं, मेरी डार्क कम्प्लेक्शन की वजह से मुझे बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, यह बात मुझे बहुत निराश कर देती है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। राजेश, हमें बड़ा दुख हो रहा है ये सुनकर कि आज के समय में भी रंग भेद हमारे बीच में है, और आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। राजेश, हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है, और वो आपके बाहरी रूप को नहीं आपके मन को देखता है। जी बिल्कुल, और जो भी रंग रूप आपको परमेश्वर ने दिया है उसे आप स्वीकार करें, उसे एंजॉय करें, और अब है समय कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रचा है प्रभु, हम किसी फैक्ट्री में बने हुए नहीं हैं, लेकिन आपकी कल्पना में बने हुए हैं प्रभु। जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तब आपने हमें बड़े अद्भुत तरीके से रचा है, ये वचन हमें बताता है,
और यही सच्चाई है प्रभु। इस सच्चाई में हम मजबूत चलना चाहते हैं प्रभु। संसार क्या कहता है या उनकी सोच कैसी है, उसके सदृश ना होकर तेरे वचन की सच्चाई पर हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, जो शायद अपनों से ठुकराव महसूस कर रहे हैं प्रभु, कि हम तेरे पास आए क्योंकि तू हमें अपनाता है, तू हमें ठुकराता नहीं प्रभु। तेरा प्यार हमारे भारी रूप को नहीं देखता, जैसे तूने शमूएल से कहा कि इंसान तो भारी चीज़ों को देखता है लेकिन परमेश्वर मन पर गौर करता है। प्रभु हमारा मन साफ रहे और हमेशा हमारे मन में तू वास करे, यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। 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 दोस्तों इस सच्चाई को थामे रहे कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है जी, और इस सच्चाई को हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में। आइए देखें कि आज ये वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों कितना अच्छा वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है, और आज भी परमेश्वर इस वचन से हमें बता रहे हैं कि जो भी हमारे जीवन में जख्म हैं, जो भी रिजेक्शन हमने फेस की है या लोग हमें शायद पसंद नहीं करते, शायद हमारे रंग रूप की वजह से, इससे जो भी चोट हमारे मन में पहुंची है इसे परमेश्वर अपने प्रेम से प्यार में बदल देगा। इन चोटों को परमेश्वर दूर कर देगा। दोस्तों आप बस अपनी वैल्यू को परमेश्वर में, जो आपकी वैल्यू है इसे आप जानें। You should know your worth in Christ. और जब आप ये जानेंगे आप अपने आप से प्रेम कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं जिनका नाम है अरुणा सैमुअल। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है और कैसे वो दूसरों के जीवन में प्रभाव लेकर आ रही है। सो डू स्टे विद अस। Nivedita, didn't you love watching the Olympics this time? पहली बार हमारे देश ने भी इतना स्पॉटलाइट पाया है स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल ग्लोशिया, मैंने ओलंपिक्स को फॉलो किया और बार बार अपना नेशनल एंथम स्टेडियम में सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन सब कुछ शाइनिंग और विनिंग के बारे में नहीं था। इस बार हमारे खिलाड़ियों ने अपने डार्क साइड पर भी सोचने पे हमें मजबूर किया। बिल्कुल ग्लोशिया, एक स्पोर्ट्स स्टार कितना वल्नरेबल है वर्ल्ड स्टेज पे अगर उनका मेंटल हेल्थ उनका साथ नहीं देता। हम देखते हैं बिल्स और ओसाका ने अपने मेंटल हेल्थ पर स्पॉटलाइट डाला, ऐसा टॉपिक जिसे हम सब छुपाना चाहते हैं। आइए अक्टूबर के महीने में हम प्रार्थना से सीखें कि कैसे अपने माइंड को रिन्यू और रिफ्रेश कर सकते हैं। वो सारे डिप्रेसिंग थॉट्स, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस को कैप्चर करें और अपने लाइफ से निकाल फेंकें। तो तुरंत हमें कॉल करें, मैसेजेस या वॉइस नोट भेजें। अगर आपके मेंटल हेल्थ कमजोर पड़ रही है, वी आर हियर टू प्रे फॉर यू इन एनी लैंग्वेज। लेट्स टॉक एंड लेट्स प्रे अबाउट इट। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर आपको हर सूरत में प्रेम करता है। चाहे आपकी सूरत या सीरत कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको अपनाया है और परमेश्वर के प्रेम में आप बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसी प्रेम को लोगों के साथ बांट रही हैं अरुणा सैमुअल, जिनसे अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये बच्चों के बीच में जयपुर में। आइए इनसे मुलाकात करें। अरुणा सैमुअल लीगल अथॉरिटी के लिए काम करती हैं। अरुणा पिछले 10 साल से ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कर रही हैं जो फिजिकल, मेंटल या फिर सेक्सुअल अब्यूज से गुजर रहे हों। अब तक उन्होंने 500 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग की है। आइए उनसे जानते हैं ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में और कैसे अरुणा की मदद से बच्चे इनसे उबर पा रहे हैं। वो
मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने का है। मेंटल हेल्थ में अगर केसेस आए जैसे कि जिसको सेक्सुअली अब्यूज हुआ है बच्चा, अब हमें कैसे पता चलेगा या कैसे पेरेंट्स को समझना है, अगर उनका बच्चा चुप बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा के संग सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। घर का डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है मैटर उसका, कि बच्चा परेशान है, हर्ट है और स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है। कुछ बच्चों के संग होता है जो बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, उनका भी कारण ये हो सकता है कि बच्चे की हर ज़िद को पूरा भी करने के वो होता है कि हमारी ज़िद पूरी करो, वह ज़िद्दी होने लग जाते हैं। फिर बच्चे बेड वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो 5 साल का हो या 9 साल का हो या 14 साल का हो। यहाँ पर भी अब हमें जानना है कि उसको साइकोलॉजिकल इशू है या सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है बच्चा या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है। वो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी है और जाननी है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ जाता है, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है। नहीं, वो पेरेंट्स की सोच होती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और वो ज़रूर इसका यही कारण है कि बच्चा एंजाइटी में जा रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सामान फेंकने लग गया है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और स्कूल जाने का ये भी मना करने का कारण हो सकता है कि बच्चा टीचर से भी डर रहा है। हमें ये समझना है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ कहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे को कहाँ पे हर्ट हो रहा है। ये हम प्रॉब्लम यह है, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, क्यों? हम उन लोगों से शेयर करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। जो चैलेंजेस होते हैं वो यही है कि ना उन बच्चों को कैसे काउंसलिंग करा जाए। हमारे को प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे उन सामने वाले को कन्विंस करें कि भैया आप सेशन के लिए आओ, क्योंकि नहीं काउंसलिंग देंगे, आज उस बच्चे को नहीं उस प्रॉब्लम से निकाला तो वो उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बड़ी बड़ी बाइपोलर हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा वो, क्रिमिनल टेंडेंसीज, बॉयज़ तो क्रिमिनल टेंडेंसीज में चले जाते हैं, कहीं कहीं तो ये जो प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं, अगर उन बच्चों को हैबिट हो गई इन चीज़ों की तो वो बच्चे जो प्रोस्टिट्यूशन होता है उस तक में एंगेज हो सकता है। तो हमें इन्हीं चीज़ों पर काम करना है कि हम बच्चे की कैसे हेल्प करें कि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। जो बच्चे की हॉबीज़ हैं उसमें इंगेज कीजिए, पहले बच्चे के इंटरेस्ट को जानिए ताकि बच्चा माइंड फ्रेश कर सकता है अपना, इन चीज़ों को भूलने में उसकी हेल्प करनी है कि आगे जा कर के फ्यूचर में उसके लिए पॉजिटिविटी आए। कि बाइबल हमें यही तो चीज़ देती है, मेंटल हेल्थ। बाइबल इज़ द रियल, बाइबल इज़ द रियल गॉड। कितना खूबसूरत कार्य है रिबेका जो अरुणा सैमुअल जी इन बच्चों के जीवन में कर रही है, और परमेश्वर उन्हें ढेर सारी आशीष दे। उन्होंने खुद कहा कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन जब वो मुश्किलों से जाती हैं तो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना उन्हें हिम्मत देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आपने प्रोत्साहन पाया है। आप जाने हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, जैसे आप हैं वैसे परमेश्वर आपको अपनाता है और वादा करता है कि आपके जीवन में वो अपने प्रेम और अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन को बदलेगा और सही दिशा में ले जाएगा। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई। समय है कि आपसे इजाज़त लें, और जाते जाते हम फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया की कॉयर का एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लाए हैं, जो है यीशु नाम सामर्थी नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सामर्थ है दोस्तों, और आप इस गीत को एंजॉय करें, इससे आशीष पाएं। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। I'm not afraid.
Somehow